के पीछे कई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जम्मू को लेके इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, हमारी रीजनल आइडेंटिटी को लेके इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की कि सरकार में रहकर इन इश्यूज़ को उठाऊँ। पब्लिक के इश्यूज़ हैं ये सारे, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगा कि सरकार का जो रवैया जम्मू की ओर था कि वो हमें ज़्यादा सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो ये देख के मैंने कहा कि अब अगर मैं इसी पार्टी में रहूं और MLC भी बने रहूं और इनको क्रिटिसाइज़ भी करता रहूं तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो ऑन मॉरल ग्राउंड्स आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन। हम चाहते हैं कि आज के दिन में जम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे आप किसी भी लेवल पे आप ले लीजिए तो एक ये जो एक कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट है, इनका इनकी ड्यूटी बन जाती है कि जम्मू की ओर भी ध्यान दें, लद्दाख की ओर भी ध्यान दें। हमारे कितने सारे मसले हैं जो नहीं, हमें हर एक चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है, फिर जाके हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको लेके मैं समझता हूँ हमारे साथ इंसाफ हुआ है। देखिए, ये तो भारत सरकार ने खुद डिक्लेयर किया है, होम मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि इलीगल रोहिंग्या सेटलमेंट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। तो इसको हमारी सरकार को इंडोर्स करने में क्या उनको झिझक है? ये कोई मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जम्मू में इन्हें सेटल नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ है। 1947 से लेके आज तक यहाँ पे कितने रेफ्यूजीज़ को हमने सेटल किया है, कितने लोगों को हमने पनाह दिया है, कश्मीरी पंडितों को हमने पनाह दी है, लेकिन जो अपने लोग हैं उनको पनाह दी जाए? बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाने का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या खेल है, वो मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, इस समय तो मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है मैं कुछ कह नहीं सकता। उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। अभी तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने लोगों के बीच जाऊँ, टूरिंग करूँ, लोगों से मुलाकात करूँ। अभी मैं पीछे लद्दाख भी होके आया 10 दिन, श्रीनगर भी 8-10 दिन रुक के आया हूँ। तो मेरी यही सोच है कि लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन, तालमेल थोड़ा बढ़ाऊँ, और जो भी डिसीजन लेना होगा सोच समझ के उसके बाद लेंगे।